Hello guys, welcome back to the Free Zone. This is Manavi. Today we are going to react on Sahib Bibi or Best Friend Dusra by Harsh Periwal bin Nazar Pattu. It's in a collaboration. Last वो देखा था जो best friend वाला था बहुत best था. मुझे personally बहुत अच्छा लगा था. Personally बहुत अच्छा लगा. Okay. और हमारे दोस्त को बुरा लग गया था. कोई बात नहीं. Sorry दोस्त. हाथ जोड़कर माफ़ी मांग. No. कोई इशू नहीं. सो द टेक्स्ट ऑफ द वीडियो विल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स सी इसमें क्या है यार. कौन सा दूसरा इसमें बेस्ट फ्रेंड का भी कोई दूसरा आ गया. देखो बेस्ट फ्रेंड भी दूसरा आ गया. लेट्स सी हेवी गो. डिस्क्लेमर, ये वीडियो मजाक के तौर पर बनाई है तो प्लीज इसे मजाक की तरह ले. हम किसी एलजीबीटी कम्युनिटी को हेट नहीं करते. जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, राजेश ने प्रतिष्ठा के सामने हर्ष को यह साबित कर दिया था और हर्ष कुछ नहीं कर पाया था. आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है. हमारी जिंदगी का एक मकसद बदला. उस हरामी को हमें मिटाना है. गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी. तुम दोनों को पता मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया? ब्रेकअप पार्टी. तुझे पता मैंने यहाँ पे तुझे क्यों बुलाया? दूसरी टांग भी तोड़ने के लिए. हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. लाठी तो ऐसे सांप कहाँ से ढूंढेगी. अबे हमारे पास तो लाठी भी नहीं है. राजेश ने मुझे गे साबित कर दिया था प्रतिष्ठा के सामने, तो अब हमें ऐसा करना है कि हम राजेश को गे साबित कर दे प्रतिष्ठा के सामने. समझ आई? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है. क्या? हर रोज सुबह की तरह राजेश अपने घर से निकलेगा और अपनी गाड़ी में जाके बैठेगा. अच्छा। और फिर ठीक एक किलोमीटर बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी. एक सेकंड पर डेली वो अपनी बाइक से जाता है, मैंने देखा है. तो ठीक है, रोज सुबह की तरह राजेश अपने घर से निकलेगा और अपनी बाइक पे जाके बैठेगा और ठीक एक किलोमीटर बाद उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाएगा. अरे भाई सुन, उसकी टंकी तो हमेशा फुल रहती है. तो ठीक है, एक रात पहले विशाल उसकी बाइक का सारा पेट्रोल निकाल देगा. मैं कह रहा हूँ पुलिस पकड़ देगी तो. ठीक है, एक रात पहले सचिन उसकी टंकी खाली कर देगा. साले मेरा बाप कौन सा पुलिस है? मेरे को भी तो पकड़ लेगा. ठीक है, एक रात पहले उसकी टंकी मैं खाली कर दूंगा और ठीक एक किलोमीटर बाद उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाएगा. आसपास देखने को से एक इंसान तक नहीं दिखेगा और फिर वहां भेजेंगे दिल्ली के सबसे कमीने इंसान को. यानी बब्बन भाई. अच्छा ये दिल्ली का सीन है. हवा बाहर और हराम में नॉन नॉर्मली. बंदा है क्या? दिखने लगा मैं तुझे? अबे रोड पे पड़ा हुआ कूड़ा नहीं देखता मैं. और वैसे भी तू कौन सा देखने की चीज है बे? अरे तुझे कूड़ा दिख रहा हूँ मैं. हाँ दिख तो रहा है. अरे यार तू जा. ए इधर देख पीछे क्यों देख रहा है? इधर मेरे को देख. मुझसे बात करना, डर लग रहा है. बात कर, बात में बोल क्या हुआ? पागल वागल है क्या? तू मेरी नजरों में देख. बता हुआ क्या? बता भाई. जा पिटपिटा जाएगा. एक सेकंड, तुम नजर बट्टू वाले राजेश हो क्या? नहीं लग भी नहीं रहे. जैसे वो पीछे मुड़ के देखेगा उसकी बाइक वहां नहीं होगी. बब्बन भाई उसका वॉलेट और बाइक दोनों चोरी करके ले जाएंगे. एक सेकंड पर बब्बन भाई ने तो उसका फोन चुराया नहीं. इतने में राजेश फोन निकालेगा और बोलेगा हेलो पुलिस स्टेशन. तो ठीक है, बब्बन भाई उसके पर्स बाइक और फोन तीनों चोरी करके ले जाएंगे और फिर हम भेजेंगे. ये है बेबू, पूरे इंडिया का सबसे मशहूर लड़के वाला. बहुत लोग आए और इनके सामने झुक के चले गए. इनसे हार के चले गए. जब सभी हार गए तो फिर राजेश के खेत की मूली है. हाय, मैं गरीबों की आय नहीं लेता. तो फिर क्या लेते हो? बहन जी मतलब जो भी हो मैं कुछ नहीं लेता, आप जाओ. अरे ले लो ना. क्या? अरे लिफ्ट. अरे ज्यादा मत सोचो, मैं छोड़ दूंगा. अरे आओ ना. एक सेकेंड, आप चलाओ, मैं आपका पीछे से पकड़ लूंगा. क्या? अरे आपको पकड़ लूंगा. फिर मैं वहां खड़ा होकर उनकी सारी फोटोज खींच लूंगा. फिर बब्बन भाई से राजेश का फोन लेके और सारी फोटो लेके हम चलेंगे प्रतिष्ठा के पास और फिर राजेश का पता साफ और फिर प्रतिष्ठा मेरी और हम करेंगे पार्टी. तू घर के अंदर कूड़ा रखा, उठाओ और निकलो.
साले तेरे जोड़ू मारने में कैसे फंस गया? जीश कौन है? हाय मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। अरे पुरू पुरू एटलीस्ट मेरी बात सुन पुरू यार, पुरू प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले यार, प्लीज एक बार सुन ले यार, यार मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी एक बार बात सुन। ये जो राजेश है ना बड़ा कमीना आदमी है, इसने ना सब कुछ प्लान किया था कि तेरा मेरा ब्रेकअप हो जाए। पुरू बेबी कॉफी लाऊं? बेबी पुरू तू ऊपर चल, मेरे से यहाँ बात नहीं होगी। क्यों तो चलना, मेरे से बात नहीं होगी। पुरू मेरी बात सुन ले प्लीज, ऊपर चल, मेरे से बात नहीं। मेरे मन की आवाज बस हमें ध्यान रखना, कानो कान राजेश को खबर ना आए। किसको खबर ना आए? राजेश को। किसको खबर ना आए? राजेश को। किसको खबर ना आए? राजेश। अरे मेरी मन की आवाज होगी फिर से। जो राजेश है ना बड़ा कमीना इंसान है, ये चाहता हम लोगों का ब्रेकअप होता है, इसने सब कुछ प्लान किया था इसने। ये फोटोज देख तो, याद सुबह मैंने खींची है। और ये जो लड़का है ना इसका बैबो नाम है इसका, दिल्ली का सबसे मशहूर गया है। और ये अकेले राजेश के साथ नहीं, एक साथ एक बार में तीन लड़कों के साथ एक साथ, तो ये देख राजेश का फोन, ये तो चोरी हो गया था। तो वो छोड़, तू ये देख बैबो के साथ सोशियो प्लैनेट पे कितनी बातें कर रहा है। सोशियो प्लैनेट वो क्या है? अरे सोशियो प्लैनेट एक नया सोशल नेटवर्किंग ऐप है, इसके अंदर तेरे नियर बाय यूजर दिखाता है, जितने भी तेरे आसपास के यूजर हैं वो सब दिखाएगा। और ऊपर से तू अपने मैसेज शेड्यूल भी कर सकती है, नेट चले या ना चले तेरा मैसेज फिर भी डिलीवर हो जाएगा। और ये देख क्या क्या बातें कर रहा है, दोनों से चैट कर रहा है। और बैबो ने तो उसे सरप्राइज मैसेज भेजा हुआ जो सिर्फ 2 बजे खुलेगा। अब सोच ले क्या सरप्राइज होगा। ये देख खुलने वाला, अब तेरे को दिखाता हूं मैं, ले तू खुद देख। यकीन कैसे करूं तेरे को मेरे पे, यकीन नहीं हो रहा ना? तो एक काम करियो, आज 5 बजे ठीक 5 बजे पीछे वाले मॉल में आ जाओ, बैबो वहीं काम करता है। और मैंने तो सुना राजेश भी वहां पे रोज आता है, और दोनों एक ही ट्रायल रूम में चेंज करते हैं। तूने कुछ सुना तो नहीं? तुमने कुछ बोला भी कहाँ? ये कैसी एक्टिंग क्या कर रही है? ओए तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ। देख 5 बजे आने वाले, राजेश भी आने वाला, प्रतिष्ठा भी आने वाली है। जैसे ही राजेश आएगा तू पकड़ के उसके होठों की पप्पी ले लियो, मतलब होठ चू जाइयो अच्छे से, ठीक है? एंड तू अपने कपड़े इसको दे ताकि सेल्समैन लगे, एंड अपन दोनों कैमरा लगाते हैं, ठीक है? सब सॉर्टेड है। अरे जल्दी कर ना, इतना टाइम लगा दिया। यार क्या कर रहा है भाई, 2 मिनट बचे हैं, कभी भी आ जाएंगे, जल्दी कर यार। अरे जरा आना, इसकी टी शर्ट फंस गई। अबे यार, अरे जल्दी आ यार, खींच जल्दी निकाल यार, खींच यार, नहीं ओए सचिन आइयो, खींच 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 खींच। ये सब मत कराया, अगर मुझसे जाने निकल जाती मेरी तो। और ये जो लड़का है ना इसका बैबो नाम है इसका, एक साथ एक टाइम पे 3 दिन लड़कों के साथ। नहीं ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जो सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। लेकिन यार वीडियो बहुत ही बढ़िया थी, फर्स्ट पार्ट से क्या लिंक कर दिया ना वो, बट यार इससे थर्ड पार्ट में भी फिर मेरे यही होगा कि यार बेस्ट फ्रेंड हमेशा जीत जाते हैं यार। नहीं वो तो छोड़ो, लेकिन ये हर बार बेस्ट फ्रेंड कैसे जीत जाता है ना, बेस्ट फ्रेंड साहब सीरियसली बहुत गच्चे बहुत ही बढ़िया वीडियो थी यार, मजा आ गया देखकर। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और जो ये जो भी पूरा कांड हुआ ना बहुत ही बढ़िया हुआ, जो मजा आ गया, पिक्चराइजेशन था वो अपने आप में तो बेस्ट था यार, मतलब क्या कर रहे हैं सब। मैंने लेबो करेक्टर नहीं देखा मैंने, हाँ। और जो ये बबली बब्बन वाला था, एक्चुअली बब्बन वर्सेस बबली, हमारी फर्स्ट वीडियो वही थी और हमने वही देखी थी, इसमें बैक में भी कुछ चला था, आपने देखा और नहीं देखा तो आप जाकर देखिए यार, आपको आई बटन वगैरह दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं तो दिख लिया, हमारे चैनल को दिखेगा यार, गो एंड वॉच। और आपको वीडियो ये कैसी लगी बताइएगा जरूर। अब
अगर आपको हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा, आपको पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इफ यू नो सजेशन देते रहिए, उसमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए आपके लाइक्स और कुछ नहीं. So दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? And don't follow this, otherwise उल्टा पड़ जाएगा. You're right दोस्तों, bye bye, take yourself, thank you for signing. Out. Out. ये क्या हुआ? कान में कुछ हो गया लगता है. शायद कान बह रहा है. Oh my God. Oh. ये तो हो गया. Bye. Bye दोस्तों.